दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मॉडल को डिस्कस करेंगे और जिसका साइज़ मैं बता दूं 32x40 32x40 फीट में पूरा मकान मैंने डिजाइन किया है। इसी को डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। यहाँ पर एक सिंगल स्टोरी प्लान है और यहाँ पर जो लुक है, फ्रंट एलिवेशन है, वो आपको बेस्ट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस मॉडल को डिस्कस करेंगे और इसका साइज है 32x40। इस मॉडल को मैंने बहुत ही सिंगल स्टोरी में डिज़ाइन किया है और एक लग्जरियर हाउस इसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसको अगर हम बात करें इसकी रेलिंग की, तो वो भी आपको बेहतरीन मिलती है और साथ साथ इसका फ्रंट एलिवेशन भी आपको बेहतरीन से मिलता है। बारंदा, किचन का डिज़ाइन, सारी डिटेल आपको मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ। ये लग्जरी हाउस एक बेहतरीन सा होने वाला है और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो हमें लगातार कमेंट कर रहे थे। और ये मैं बता दूं आपको दोस्तों, यहीं पे ओपन है आपका एरिया 3 साइड, इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो की साइड में आपको दिया है और फ्रंट से तो विंडो है ही और साइड से भी यहाँ पर विंडो दिया है। इसकी डिजाइनिंग की पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ 32x40 फुट में, तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। मैं हूं झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर मैं लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स, नए नए वीडियोस लाता रहता हूं, जिससे आप देख कर इन्हें बनवा सकते हैं। जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार स्मॉल हाउस प्लान पर विजिट करें, जिससे आपको एक नया आइडिया मिले और आप अपने घर को एक नया लुक दे सकें। तो आज का जो प्लान है 32x40 फीट में, उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जूम करके इसे दिखाते हैं, जिससे आपको इसका देखिए रियलिस्टिक भी देखने को मिल जाए। इसकी रेलिंग क्या है, मैंने कुछ यहाँ पर ट्रीज प्लांट वगैरह लगा रखे हैं, जिससे इसके डेकोरेशन और अच्छा लगने लगता है। तो ये पूरा प्लान है जो कि 32x42 है। अब तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिएगा ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको बारंदाज मिलता है, ये देखिएगा जो देख रहे हैं जो चेयर्स वगैरह पड़ी हैं। और ये फ्रंट से डिज़ाइन है, लेफ्ट हैंड साइड से इधर राइट हैंड साइड से डिज़ाइन यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, ये यहाँ पर दोस्तों किचन है, इसलिए मैंने बड़ा सा विंडो दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा बारंदा का स्टाइल यहाँ पर देखिए, आगे जगह भी छूटा हुआ है, यही करके आपको एक नया लुक और बेहतरीन सा डिज़ाइन देता है। साइड की बात करें तो इधर भी आपका ओपन एरिया ही है और ये आपको मैंने डिजाइनिंग यहाँ पर क्रिएट किया, एक विंडो दिया है यहाँ पर क्योंकि बेडरूम है। अब हम बात करते हैं इस पूरे घर की, तो देखिएगा यहाँ पर फ्रंट में 2 बेडरूम है, इसलिए मैंने दोनों बेडरूम के लिए अलग अलग विंडो, अलग अलग यहाँ पर डोर दिया है। ये देखिएगा आप किसी भी बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों बेडरूम से आप अंदर भी जा पाएंगे, दोनों बेडरूम में एक पीछे अंदर साइड भी गेट दिया है, इसमें भी अंदर साइड गेट दिया है। और जैसे आप इस बेडरूम से अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एक बड़े से हॉल में आपको मिल जाती है स्टेयर्स, और यहाँ पर आप डाइनिंग हॉल वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि हॉल बहुत ही बड़ा होने वाला है इसका। ये आपको गैलरी टाइप की मिलती है और इस कॉर्नर पर आपको बेडरूम और मिलता है। इस बेडरूम से गैलरी से आकर ये आपका किचन एरिया मिलता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इस किचन में ये आपका फ्रंट का यहाँ पर विंडो मैंने दिया है, ये पूरी आपका किचन है, बेडरूम है और एक ही लेटेंट बाथ, मैंने इस घर में मात्र एक लेटेंट बाथ के लिए, जो बाहर आपका एरिया दिख रहा था एक्स्ट्रा, ये आपका लेटेंट बाथ है और ये आपका हॉल था। तो यहाँ पर 3 बेडरूम की बात करें और एक लेटेंट बाथ, किचन वगैरह, ये सारा डिटेल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर इस। और आगे आपका फ्रंट में बेहतरीन सा बारंदा देखने को मिलता है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें, ये आपका ग्राउंड फ्लोर 3 बेडरूम, लेट बाथ, किचन और एक बेहतरीन सा आपको, तो ये आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर हो जाता है। आप साइड से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं और फ्रंट में यहाँ पर देखिए प्लांटेशन किया है वगैरह, ये आपका ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। देखिए फर्स्ट फ्लोर से पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ इसका जो रूप मैंने क्रिएट किया है बारंदे का, ये देखिए लगभग 9 फिट पे क्रिएट है। इसी में आपको मैंने एक बेहतरीन सा ये देखिएगा कलरफुल रेलिंग पट्टी टाइप की बनाई, जो कि डेकोरेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 9 फिट पे ये पूरा आपका एक रूप मैंने बारंदे को ढक दिया है और इधर बाथरूम को ढक दिया है और इधर की बात करें अगर किचन को भी ढक दिया है, इसलिए ये घर देखिएगा आपका एक नया लुक लगता है, क्योंकि इसी रूफ की वजह से। तो इसको मैंने लगभग 9 फिट पे क्रिएट किया है। लास्ट फ्लोर पर अगर हम बात करें तो ये लास्ट फ्लोर में आपके चारों तरफ बाउंड्री मिल जाती है और जो स्टेयर्स थी उसको ढकने के लिए गुमटी बन जाती है। और ये आपका बाउंड्री जो कि लगभग 3.5 फिट का है, साइड से रेलिंग मैंने देखी है ब्लैक कलर की दी है और इधर भी ब्लैक कलर का रेलिंग, कुछ डिजाइनिंग के पर्पज़ से स्क्वायर टाइप की जो आप देख रहे होंगे, ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से। तो ओवरऑल 32x40 फिट में ये पूरा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है, 3 बेडरूम, बारंदा, लेटन बाथ वगैरह। क्या मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।